हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। निफ्टी का डेली चार्ट आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक बड़ा कैंडल है और जो कैंडल्स है बाकी की कैंडल्स वो इसी के अंडर ही रेंज में, ये कैंडल के अंदर ही कैंडल्स फॉर्म हो रही है। सो एक कंसोलिडेशन फेज चालू है, साइडवेज चालू है। बट वापस मैं आपको बता रहा हूँ, 9200 के ऊपर निफ्टी बाय रहेगा एंड 8800 के नीचे निफ्टी सेल रहेगा। सो ये ट्रिगर लेवल पॉइंट है। 9200 अगर टूटता है तो निफ्टी बुलिश हो जाएगा और 8800 अगर टूटता है तो निफ्टी बेरिश हो जाएगा। ओवरऑल ये 400 पॉइंट के रेंज में साइडवेज ट्रेडिंग हो रहा है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है। सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है। निफ्टी में साइडवेज मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, ओवरऑल चैनल में ही ट्रेड हो रहा है। अभी भी ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, 18,200 जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, 18,200 वो अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। सो अभी भी बैंक निफ्टी में व्यू बेरिश ही है। दो दिन एक्सपायरी में बचा है तो हो सकता है कल एक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिले, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में 17,000 का लो नहीं टूटा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बोला था, अगर 17,000 का लो नहीं टूटता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आज वही हुआ, क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ऊपर ही क्लोज हुआ है और 17,500 के ऊपर क्लोज हुआ है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सो कल के दिन में मुझे लगता है यहाँ से एक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकता है। बट 18,200 अगर एक बार डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है तो बुलिश व्यू हो जाएगा बैंक निफ्टी में एक बार शॉर्ट टर्म। सो लेट सी कल के सेशन में 18,200 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बट एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो कल के सेशन में थोड़ा बहुत बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। नॉर्मली वेनेसडे को एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। सो कल के सेशन में बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू एक्सपायरी। अब स्टॉक डिस्कस करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में तीन ट्रेड दिए थे, तीनों के ही लेवल ट्रिगर नहीं हुए हैं। तो आज के दिन में कोई ट्रेड एक्टिव नहीं था, सिर्फ एक लाइव ट्रेड दिया था मैंने टेलीग्राम चैनल में, उसमें थोड़ा बहुत इंट्राडे में प्रॉफिट बना, वो आप टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं डेली एक लाइव ट्रेड देता हूँ, तो लाइव ट्रेड में उसमें इंट्राडे में एक स्मॉल प्रॉफिट बना। अब डिस्कस करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा वोल्टास। वोल्टास अगर आप देखें, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और ये बार बार ये ट्रेंड लाइन को टच होता है और गिर जाता है। मुझे लगता है कल के सेशन में इसमें एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 445 के नीचे काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा वोल्टास। कौन से लेवल पे एक्जैक्टली शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा टीसीएस। टीसीएस अगर आप देखें, टीसीएस ने भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक ही है ये, आप देख सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो टीसीएस में एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर एक अच्छा बाय लग रहा है अगर आप देखें यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस है और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो। 375 के ऊपर काफ़ी अच्छा बाय रहेगा ये, और मुझे लगता है यहाँ से फिर 390-400 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। सो 375 के ऊपर काफ़ी अच्छा बाय रहेगा टाटा कंज्यूमर। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।